2 सितंबर को इसरो अपना सूर्य मिशन लॉन्च करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रिसर्च मिशन में आदित्य L1 सूर्य के तापमान और उससे जुड़े तमाम रहस्यों की जानकारी जुटाएगा। आदित्य L1 भारत का पहला जबकि दुनिया का 23वां सोलर मिशन है। इसकी कामयाबी को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। वैज्ञानिकों की टीम ने आदित्य L1 में लगे सभी उपकरणों की जांच की, उन्हें परखा और उसके बाद पूरे देश को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि PSLV-C57 आदित्य L1 मिशन लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं। लॉन्च रिहर्सल व्हीकल की आंतरिक जांच पूरी हो गई है। रिहर्सल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई और आदित्य L1 का जो सेटअप है वो भी पूरी तरह फिट है। वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग को लेकर जो भी प्लानिंग की है सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। 2 सितंबर को आदित्य L1 उड़ान भरेगा, मगर जिस पॉइंट तक उसे जाना है वहां पहुंचने में उसे करीब 4 महीने लगेंगे। भारत का सूर्य मिशन लैग्रेंज पॉइंट तक जाना है, जिसकी दूरी पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर है। जानकारी के मुताबिक ये वो पॉइंट है जहां से सूरज को बिना किसी दिक्कत के देखा जा सकता है। आदित्य L1 को लैंग्वेज पॉइंट के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यहीं से सूरज से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश होगी। सूर्य धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, मगर आदित्य L1 महज 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर उड़ान भरेगा। ये पेलोड फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का जायजा लेंगे। हर पेलोड की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। सूर्य मिशन कई मायनों में अहम है। इसरो ने जिस तरह चांद पर सफल लैंडिंग की उसके बाद दुनिया की निगाहें भारत के नए अभियान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।